अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मौसम बड़ा ही प्यारा हुआ है और लेकिन मसला ये है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और आज जो है वो मैं काम पे नहीं गया। उबर ईट्स करता हूँ और उसके अलावा अगर कोई काम मिल जाए तो वो भी कर लेते हैं। तो आपका भाई आज फ्री है तो मैंने सोचा कि चिल मारें। बाकी सारे बॉयज़ भी पता नहीं किधर चले गए हैं, मैं तो सोया हुआ था। तो उठ के देखा तो काफ़ी कुछ खाने को पड़ा हुआ है, आइसक्रीम और लेज और ये वो। तो आज बिरयानी का प्लान है तो मैंने सोचा कि चलो अब सो लेते हैं और उसके बाद जो है वो गाड़ी भी ठीक हो जाएगी सुबह, और उसके बाद जो है वो लगा लेंगे ऊबर इसके ऊपर। तो ये सीन है कि थोड़ा सा गपशप होती रहेगी गाड़ी के ऊपर कि उबर ईट्स कैसी चल रही है, किस तरह से ये सारा चलता है। और बिरयानी से मुझे याद आया कि यार इधर बिरयानी बहुत महंगी है। बिरयानी जो है वो बड़ी महंगी पड़ती है, महंगी है नहीं, महंगी पड़ती है। जैसे कि हमारे उधर पाकिस्तान में तो बिरयानी आपको मैक्सिमम 250-300 की मिल जाएगी, 350 की मिल जाएगी, बहुत अच्छी बिरयानी होगी। और सेवर जो है वो तो आपको 250 तक के अराउंड मेरे ख्याल में आजकल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे बिरयानी जो है वो आपको 2000 की 1500 की प्लेट जो है वो कास्ट आ जाती है उसकी, जब वो सारा कुछ उसका मटेरियल लेके आते हैं और उसको बनाते हैं। तो वो जो हमारे सारे बॉयज़ हैं, हमने स्प्लिट वाइज एक एप्लीकेशन की हुई है, तो उसमें जब डिवाइड करके वो जितना एक्सपेंस आता है सबको, तो वो $12, $14, $15 की डिवाइड होके कास्ट आ जाती है। तो बिरयानी भाई इधर बहुत महंगी पड़ती है। यार मजाक कर रहा हूँ, हर चीज़ महंगी पड़ती है यहाँ पे। वो आप अपनी करेंसी के हिसाब से उसको नहीं कर सकते कि हाँ जी पाकिस्तान में कितनी है, इंडिया में कितने की ये चीज़ पड़ती है, तो उस हिसाब से आप नहीं देख सकते। तो एनीवेज इतना भी नहीं है, क्योंकि जो आप अर्न कर रहे हैं वो भी आप उसी तरह से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो उस तरह से खाने पीने में अगर एक्सपेंस होता है तो वो डेफिनेटली होना होता है। तो स्टार्ट में जब बंदा आता है तो उसको ये चीज़ें थोड़ी सी बड़ी लगती हैं शुगल में। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। तो इस तरह के सीन्स हैं, ये सबर्ब है यहाँ पे जहाँ पे रह रहा हूँ, और उसकी सराउंडिंग्स का जो एरिया है वो कुछ इस तरह का है। और माहौल जो बादल वगैरह हैं, जो हवा चल रही है उसकी भी आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये सीन्स हैं। तो कल मैंने जाना है गाड़ी ठीक करवाने, उसके भी हाल अहवाल बताएंगे आपको, और गाड़ी को क्या मसला हुआ था वो भी बताऊंगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।